जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करो भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे
भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गहरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लूट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में जितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता, इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले
एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन दो दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया, और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे, और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया, और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान एक बार नहीं तीन बार आया था मैं, तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोलते वक्त मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना प्यार देते हैं इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को पसंद नहीं आई इस बार तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।